हेलो एंड वेलकम टू कुकी प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं भरवा करेला की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये देखिए करेला है, इसको मैंने धो लिया है और इसको बीच से चीरा लगा लिया है। आप चाहे तो अंदर का जो बीज है उसको निकाल सकते हैं, मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है, बहुत सारे प्याज हैं। ये मेरा चार प्याज है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है और करेला को मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। और इसको थोड़ा अच्छी तरह से लाल करना है, कुक होने देना है बहुत देर तक। आप ढक ढक के पका सकते हैं। मैंने ऊपर से नमक भी डाला है, जब आधा कुक हो जाए तो आप नमक डाल दीजिएगा और ढक ढक के पकाइएगा। ये बहुत अच्छी तरह से कुक होता है और आसानी से हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा संयम रखना होगा और ये बहुत अच्छी तरह से पकेगा और धीरज लगा के आपको बनाना होगा। तो इस तरह से मैंने ढक ढक के पकाया और देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गया है। और आप इसको अलग बर्तन में निकाल लीजिए। और इसी तरह से मैंने दो बैच का करेला तैयार कर लिया है और इसी तेल में मैं जीरा डालूँगी और जो प्याज व्याज सब काटा था मैंने सब डाल के इसको बनाऊँगी। तो ये देखिए तेल लाल ज़रूर है, ये ख़राब तेल नहीं है, इसी तेल में मैंने इसको बनाना है। एक ही बार में थोड़ा काला हो जाता है तेल, तो इस जीरा डालने के बाद ये सारे प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं प्याज टमाटर का मैंने तीन टमाटर अदरक लहसुन मिर्च का बहुत सारे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बनाया है। तो ये जितना करेला में यूज़ होगा मसाला उतना यूज़ करेंगे, बाकी जो है दूसरा सब्जी में भी यूज़ हो जाता है ये। तो ये मसाले बना के मैं आप रख भी सकते हैं। तो मैं जितना मसाला मेरा करेला में यूज़ होगा मैं यूज़ करूँगी, बाकी आप दूसरे सब्जी में यूज़ करिए। मैं दूसरा सब्जी में भी यूज़ करती हूँ, इस तरह से बना के रख देती हूँ। तो ये देखिए ये अदरक लहसुन मिर्च है, मैं एक साथ डाल दूँगी इसी में। और ये टमाटर है, सारे सभी को एक साथ डाल के मैं इसको मसाले को अच्छी तरह से भूंजूंगी। जब इसका पूरा तेल सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसमें मसाले भी ऐड करने हैं। मसाले जो आप रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं वही मसाले डालना है, कुछ अलग नहीं है। या आप धनिया जीरा का जो पाउडर है वो सब भी आप डाल सकते हैं। आपको जो मसाले आपके घर में अवेलेबल है इस समय आप डाल सकते हैं और जो नहीं है उसको स्किप करिए। तो मसाले के अकॉर्डिंग ही मुझे नमक डालना है क्योंकि करेला में मैंने नमक डाल चुका है। तो इस तरह से आपको बनाना है। और ये देखिए कितना सुंदर से तेल सेपरेट हो रहा है। बस यही है, ज़्यादा थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो मसाले काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए मैं मसाले डाल रही हूँ, मसाला और हल्दी इसमें अच्छी तरह से ऐड करना है आपको। 3 से 4 चम्मच मैंने मसाला डाला है और हल्दी डाला है, हल्दी 1 चम्मच डाली है। तो इसी तरह से इसको मसाले को मुझे इसको भूनना है और तेल सेपरेट होने तक आपको इसको अच्छी तरह से भूनना है। बस यही मसाले हैं जो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं, यही मेन आपका ये है, उसको इसी में स्वाद है। तो इसलिए इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि मसाले अगर ख़राब हो जाएंगे तो आपका करेला पूरा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए करेला का जो मसाला है बहुत ही ज़्यादा मेन कोर्स है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ये जो मसाले हैं, ये मसाले अगर आपका बच जाए तो आप दूसरा सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं डाल के, जैसे आलू दम बना सकते हैं, आलू मटर है, मटर पनीर है, किसी तरह की सब्जी है उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये देखिए आपसे बात करते करते ये मेरा मसाला भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया। और यही मसाले को मैं करेला में मसाला जो भून के निकाली हुई हूँ ठंडा होने पर हल्का हल्का उसमें जितना उसमें अट सके मैंने उसमें चीरा लगाया है, और जितना उसमें मसाला ऐड हो सके मैं उसको डालूंगी। बस गर्मा गर्म तैयार है, ये देखिए इसी तरह से इसको भरना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। बस इसी तरह से भरिएगा, बाय।